देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बिहार सरकार भी लगातार अलर्ट हो गई है। आपको ये बता दी चले कि बाहर से आ रहे यात्रियों को लगातार जांच का दायरे में रखा जा रहा है। संक्रमण में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए बिहार सरकार में भी अलर्ट हो चुकी है। आपको बता दें कि पटना के रेलवे स्टेशन पर बाहर से आए यात्रियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पंजाब और महाराष्ट्र से आए यात्रियों और रेलवे कर्मी का टेस्ट हुआ, जिसमें 5 लोग संक्रमित पाए गए। संक्रमितों में 4 टीटी और 1 यात्री शामिल है। जमुई जिले में निजी शिक्षकों ने सरकार के उस फैसले का कड़ा विरोध किया है, जिसमें स्कूल और कॉलेज को और शिक्षण संस्थान को बंद करने का निर्देश जारी किया है। इन फैसलों पर आपत्ति जताते हुए डीएम को पत्र भी सौंपा गया। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया, बावजूद इसके सरकार ने शिक्षण संस्थान को ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 12 अप्रैल को लगी प्रतिबंधों को नहीं हटाती है तो आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। स्कूल को बंद कर देते हैं, इससे सरकारी विद्यालय में तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनके टीचर को बैठ के वो तनख्वाह देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो 1 महीना पहले खुला ही है, आज अभी हम लोग का एडमिशन का समय था और बच्चों का पढ़ाई को हम लोग रास्ता पर लाना चाहते थे, उस रास्ते को अवरुद्ध किया है छात्रों के जिंदगी के साथ। बेगूसराय में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन इसका मुस्तैदी से इसका पालन करवा रही है। आपको ये बता दी चले कि संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। आज जिले के डीएम और एसपी ने सड़क पर उतरकर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी अवकाश कुमार ने ट्रैफिक चौक से लेकर कचहरी चौक तक सभी दुकानों और मॉल में जाकर कोविड प्रोटोकॉल का जायजा लिया। इस दौरान बिना मास्क सड़क से गुजर रहे लोगों से भी जुर्माना वसूला गया।